बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी चने की दाल और गोश्त की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी तरह से मैं बनाऊँगी अपने तरीके से, और बहुत ही कम मसालों में, बिल्कुल बेसिक जो मसाले होते हैं वो डाल के मैं बनाऊँगी। तो चलिए हम इसके लिए देख लेते हैं। ये मैंने लिया है 200 ग्राम मटन है, ये कुछ रवैश वाला जो हल्की चिकनाई लगी हुई होती है, तो ये मैंने लिया है। और इसमें कुछ पीस बोन समेत है, कुछ बोनलेस है, तो आप भी अगर बनाएं तो इस तरह का गोश्त लें, और इससे ये जो है बहुत ही टेस्टी और सोंधे सोंधे से बनते हैं। तो ये मैंने लिए एक छोटी प्याज कटी हुई, रख ली, चॉप करके रख ली है। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने ऑयल लिया है। ये एक छोटी प्याज सारी कटी हुई। ये है कुछ हरे मसाले, जिसमें से ये अदरक मैंने इस तरह से पतली पतली सी महीन महीन काट ली है। ये हरी मिर्च कटी हुई है और हरा धनिया है। ये है 200 ग्राम चने की दाल, जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो करके रखा था। तो आप भिगो के रखेंगे तो ये बहुत मज़े की बनती है और जल्दी गल भी जाती है। ये है सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये कुछ खड़े मसाले, जिसमें से कुछ खड़े लिए हैं मैंने और कुछ पिसे हुए भी हैं। ये 1 तेज़पत्ता है, 1 पीस दालचीनी की लकड़ी का है, 2 छोटी इलायची है, 3 से 4 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है। ये कुछ पीसे गरम मसाले हैं, जिसमें से ये जीरा पाउडर मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला है, और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ले लिया है। ये है कुछ ड्राई स्पाइसेस जो पकाते टाइम हम बताएंगे। तो चलिए, मैंने गैस को ऑन कर लिया है, उसके ऊपर कुकर चढ़ा हुआ है। तो अब हम कुकर जो है गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं ऑयल। तो ऑयल अब गर्म हो रहा है, तो ऑयल अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल प्याज को डाल करके और इसे लाइट ब्राउन करेंगे। तो हम इस चने की दाल चने की दाल को साथ में ही बढ़ाएंगे, क्योंकि ये मटन है तो हम इसको भीगी भीगी डालें तो हम इसे काट नहीं गलाएंगे। तो प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये सारा गोश्त को डाल करेंगे। दालचीनी की लकड़ी, 1/4 इलायची, लौंग और 1/2 इलायची, इन सारे खड़े मसालों को मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे ये कुछ पिसे हुए मसाले हैं, जैसे कि एक चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी ली है हमने, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, और 1 टीस्पून इससे हम डालेंगे धनिया पाउडर, और इसमें हम नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें डाल देते हैं ये भीगी हुई चने की दाल। तो ये अगर आप 20 को पकाते हैं तो आप अलग अलग भी गला सकते हैं, दाल आप अलग गला लें और गोश्त को अलग गला लें, या अगर आपकी दाल भीगी हुई है तभी भी आप इसको अलग अलग गला लें, और अगर आप चिकन में बना रहे हैं तभी भी आप अलग अलग गला के पकाएं। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हम इतना डालेंगे जिसमें चने की दाल और गोश्त दोनों अच्छी तरह से गल जाए। बाद में भी थोड़ी
तो अभी फूल चुकी है और थोड़ी बाद में भी फूलेगी पकने पे। तो हम इसका ढक्कन लगा के और एक सीटी आ जाएगी, उसके बाद हम इसे 20 मिनट तक के लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये दाल अब गल चुकी है, गोश्त भी गल चुका है, तो हम अभी दिखा देते हैं। ये अभी गर्म बहुत है, देखिए ये गल चुका है। तो अब हम इसको एक मथानी से थोड़ा सा घोट लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करें। तो हमें दाल को बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, बस हमें इतना रखना है इसको गाढ़ा। तो अब हम इसका नमक टेस्ट कर लेंगे। इसका नमक बिल्कुल सही है। तो हम इसका तड़का, इसको थोड़ा देर हम इसे खौलाएंगे। फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं। तो मैंने हाई फ्लेम पे इसको चढ़ा दिया है। अब हम इसको एक उबाल आने तक के पकाएंगे और इसमें हम अब डाल देते हैं ये हरी मिर्ची कटी हुई। तो ये अब एक उबाल आ जाएगा, फिर हम इसका तड़का रेडी करेंगे। तो अब ये दाल रेडी हो चुकी है, ये बॉईल हो गई है अच्छी तरह से। तो हम इसे अलग रख देते हैं और इधर पैन चढ़ाते हैं और इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो ऑयल अब गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें एक छोटे साइज की प्याज इसको इसमें डाल देते हैं और इसे हम ब्राउन कर लेते हैं। तो आप भी जब चने की दाल गोश्त पकाएं तो पहले गोश्त को मसालों के साथ अच्छी तरह से भूनें, ताकि उसमें गोश्त की और मसालों की स्मेल चली जाए। उसके बाद दाल को डालें और उसको फिर आप पानी डाल के गला लें। तो चलिए अब प्याज फ्राई हो रही है। तो ये तड़का अब रेडी हो चुका है। अब हम रेडी दाल में इसको डाल देते हैं। तो आप चाहें तो इसको घी से भी फ्राई कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो। अब हम इसमें डालेंगे ये बारीक कटी हुई अदरक, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और ये कुछ हरी धनिया के पत्ते हैं, तो इसमें तो वैसे तो पुदीना का ही यूज़ होता है, लेकिन अगर पुदीना आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जैसे मैंने ये डाला है हरी धनिया, तो आप ये डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाला, काली मिर्च, जीरा और गरम मसाला। तो अब ये पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर, इससे इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो अब ये मज़ेदार से चने की दाल गोश्त पूरी तरह से रेडी हो चुका है और डिश आउट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी महीन कटी हुई अदरक और हरी धनिया से इसे गार्निश कर लेते हैं। तो ये चने की दाल गोश्त बहुत ही टेस्टी लगता है और मुझे तो खैर ये बहुत ही पसंद है। तो आप में से किसको किसको पसंद है मुझे बताइएगा। और अगर मुझे आपको आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और जो मेरे चैनल पे नया है वो तो वन टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो पुराने हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे अगली एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।